बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये आयत थर्ड वीडियो में जो है आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये भी उसी की कंटिन्यूटी है जो हमने 2018 केरल का जो पेपर था, एएम असिस्टेंट मैनेजर फिजिक्स की पोस्ट के लिए, इसे हम देख रहे थे। पहले 10 क्वेश्चन हम पहली दो वीडियोज में कवर कर चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 11 ये है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर अ सीरीज LCR सर्किट एट रेजोनेंस द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू इज, कि LCR सर्किट में जब रेजोनेंस हमारे पास होती है, LCR सीरीज सर्किट में तो रेजोनेंस जब होती है तो इन चार स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकोरेक्ट है। ऑप्शन ए, पीक एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर इक्वल टू पीक एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर। बी, एवरेज पावर इक्वल टू अपियरेंट पावर। ऑप्शन सी, ए वाटलेस करंट इज जीरो। ऑप्शन डी, पावर फैक्टर इज जीरो। अच्छा, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर हमें पता है क्या होती है, हाफ सी वी स्क्वायर, और एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर हमें पता है कितनी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, सी और एल और यहाँ बी हो रहा है। अब हमें यह भी पता है कि जब रेजोनेंस होती है तब एक्स एल बराबर होता है एक्स सी, ये कैपेसिटिव रेजिस्टेंस है कैपेसिटर की, और ये इंडक्टिव रेजिस्टेंस होती है इंडक्टर की, और यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, एक रिलेशन आती है सी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल। अब ये रिलेशन जो इसमें जो सी है इसको अब यहाँ पे पुट कर लें, हाफ ओमेगा स्क्वायर एल और वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, एल एल दोनों साइड से कट जाएगा और आप थोड़ा सा और सिंपल करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन जो है वो आ जाएगी, जेड इक्वल टू ए आर। तो अच्छा, तो इसका मतलब है कि एनर्जी स्टोर्ड बाय ए कैपेसिटर इक्वल नहीं है एनर्जी स्टोर्ड एन एन इंडक्टर में, तो एक ऑप्शन तो ये जो है वो ठीक नहीं है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, एवरेज पावर इक्वल टू अपीरेंट पावर। एवरेज पावर हमारे पास होती है पी एवरेज इक्वल टू वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है, और मजीद हम पता है वी इक्वल टू आई आर होता है, फॉर्मूला वो आई स्क्वायर आर बन जाता है, और जो अपीयरेंट पावर होती है वो वी जेड इंटू आई होती है। वी जेड ये मतलब जो वही जो इम्पिडेंस की बात कर रहे होते हैं हम इसमें, और वी को आई आर पुट करेंगे तो आई स्क्वायर और आर की जगह जेड आ जाएगा। ठीक है, तो और हमें ये भी पता है कि जो हमारे पास इम्पीडेंस होती है, जब हमारे पास रेजोनेंस होती है तो हमारे पास जेड इक्वल टू आर होता है, तो यहाँ पे जेड की जगह आर पुट करेंगे तो आई स्क्वायर आर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, मतलब पी एवरेज इक्वल टू पी अपीयरेंट जो है वो आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अच्छा, ऑप्शन सी कहता है वेटलेस करंट इज जीरो। अब वेटलेस वाटलेस करंट क्या होता है, वाटलेस वो करंट होता है जिसमें कोई एनर्जी डेसिपेट नहीं होती। एसी सर्किट में हमें पता है जो कैपेसिटर और इंडक्टर होते हैं वो चेंज इन करंट को अपोज जरूर करते हैं, पर वो करंट को डेसिपेट नहीं करते, उल्टा ये तो एनर्जी को इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड में वहां पे स्टोर कर रहे होते हैं, और जब रेजोनेंस होती है तो वहां हमारे पास कैपेसिटर और रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो हो जाता है, तो वाटलेस करंट इज जीरो, ये ऑप्शन जो है ये भी ट्रू है। ऑप्शन डी जो है और ये ऑप्शन जो है वो फॉल्स आ रही थी कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि जेड इक्वल टू आर आ रहा था तो इंडक्टर और कैपेसिटर की एनर्जी रेजोनेंस के ऊपर सेम नहीं होती। ऑप्शन डी है पावर फैक्टर इज जीरो। पावर फैक्टर हम पता है बराबर होता है कॉस वाई इक्वल टू जेड बाई आर, रेजोनेंस पे जेड आर के बराबर होती है तो यहाँ पे आर पुट किया, आर आर से कटा 1 आ गया, तो पावर फैक्टर इज जीरो। तो पावर फैक्टर हमारे पास 1 होता है, तो ये ऑप्शन जो है हमारे पास ये जो है वो फॉल्स है। तो अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि इसमें तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन
बल्कि ये ऑप्शन जो है ये भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस पे जेड आर के बराबर होता है। तो ये तीनों ऑप्शन ठीक हैं, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट यही है कि एलसीआर सीरीज सर्किट में रेजोनेंस पे कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं होती, तो वो पावर फैक्टर 0 नहीं होता, 1 होता है। तो ये हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 12 क्या है? फॉर अ सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस, सीरीज एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस पे क्या होता है? ये ऊपर मैंने आपको बताया कि रेजोनेंस पे एक्सएल एक्सी के बराबर होता है। कैपेसिटिव रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रेजिस्टेंस जो है या इम्पीडेंस जो है वो बराबर होते हैं। तो ये ऑप्शन जो हमारे पास ठीक है, रेजोनेंस पे हमारे पास एक्सएल एक्सी के बराबर होते हैं। क्वेश्चन 12 का ये आंसर है। क्वेश्चन 13 है, एट नो लोड विच इज निग्लिजिबल इन ट्रांसफार्मर, जब कोई लोड नहीं होता तो ट्रांसफार्मर के अक्रॉस क्या चीज जो है वो निग्लिजिबल होती है? ऑप्शन ए कॉपर लॉस, ऑप्शन बी एडी करंट लॉस, ऑप्शन सी हिस्टेरेसिस लॉस, ऑप्शन डी हीटिंग लॉस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कॉपर लॉस है। जब ट्रांसफार्मर जब कोई लोड ना हो तो जो ट्रांसफार्मर के अक्रॉस कॉपर लॉस जो है वो निग्लिजिबल होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, इन फ्लाई बैक कन्वर्टर द बक बूस्ट इंडक्टर इज रिप्लेस्ड बाय। ऑप्शन ए फ्लाई बैक कैपेसिटर, ऑप्शन बी फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी फ्लाई बैक इंडक्टर, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, फ्लाई बैक इंडक्टर। कि जो हमारे पास फ्लाई बैक कन्वर्टर होते हैं उसमें बक बूस्ट इंडक्टर को हम फ्लाई बैक इंडक्टर से रिप्लेस कर देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 जो आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कि द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स विद मास नंबर 216 एंड 125 इज। ये ऑप्शन चार गए मैंने, ठीक है। ये बेसिकली क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि दो न्यूक्लियाई हैं जिनके मैसेज 216 और 125 है, तो इनके न्यूक्लियर रेडियाई की रेशियो क्या होगी? हमें पता है कोई भी एलिमेंट हो उसका न्यूक्लियर रेडियस ये होता है आर इक्वल टू आर नॉट ए पावर 1/3, और आर नॉट ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 1.2 FM होती है। तो ये फार्मूला अब दोनों रेडियो के हमें मैसेज जो है वो K1 है, तो ये हम फार्मूला यूज कर लेंगे इनके रेडियाई की रेशियो फाइंड करने के लिए। तो क्या होगा, R1/R2, क्योंकि दो रेडियाई की बात कर रहे हैं, क्या होगा ये आर नॉट ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, ये तो कट जाएगा। तो A1 पावर 1/3 डिवाइड बाई A2 पावर 1/3, और ए जो है वो हमारे पास A1 जो है 216 है, A2 जो है 125 है। सिंपल सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो जवाब आ जाएगा, और ये आपके पास आएगा ऑप्शन सी, आपके पास जो है ये बननी चाहिए 6:5। तो ये सी आपके पास जो है वो करेक्ट आंसर है। चलें आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे ये क्वेश्चन। फिर भी कोई एम्बिग्विटी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और शेयर लाजमीन कर दीजिएगा। चलें फिर मिलते हैं, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।